इंडियन आइडल सीजन 12 के न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में बेहतरीन म्यूजिक टैलेंट्स के साथ साथ एक मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी भी सुनने को मिली। पुणे की सड़कों पर अपनी लाठी काठी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली शांताबाई पवार जब इंडियन आइडल के मंच पर पहुंची, जी हां दोस्तों, शांताबाई की इमोशनल कहानी ने सभी को रुला दिया और 85 साल की उम्र में भी उनके लाठी काठी करतब ने हैरान भी कर दिया। आखिर शांताबाई पवार इंडियन आइडल की स्टेज पर क्यों नजर आई, तो आपको बता दें कि शांताबाई पवार इंडियन आइडल सीजन 12 की कंटेस्टेंट सायली कांबले और उनके म्यूजिक की बड़ी फैन है। शांताबाई सायली को अपनी बेटी मानती है। बेटी की शानदार सिंगिंग देखने के लिए शांताबाई पवार इंडियन आइडल के मंच पर पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, शांताबाई ने शो में बताया कि मैं चाहती हूँ कि सायली को शो में इतने मार्क्स मिले कि मैं खुश रहूँ। और वहीं दोस्तों, शांताबाई की कई बातों ने इमोशनल भी कर दिया जब उन्होंने बताया कि मेरे पास अनाथ बच्चे हैं, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, सड़कों पर लकड़ी घुमाकर पैसे जुटाती हूँ ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। 10 अनाथ लड़कियाँ हैं मेरे पास, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं बूढ़ी हूँ पर हालात संभाल रही हूँ। दोस्तों, शो में जिसने भी ये सब सुना वो तो भावुक हो गया। वहीं शो की जज नेहा कक्कड़ ने शांताबाई और अनाथ बच्चों के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों शांताबाई पवार को इंडियन आइडल के मंच पर देखकर आपको कैसा लगा, इनके हैरत अंगेज करतब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं।